हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है। तो पेज रिप्लेसमेंट जो है वो टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कंसिडर करते हैं, एक साइड पे मेमोरी है और एक साइड पे मल्टीपल पेजेस है जिनको मेमोरी में अपने को अलॉट करना है, एंड मेमोरी में वेरियस फ्रेम साइज होते हैं। तो ये फ्रेम साइज मतलब क्या? फ्रेम साइज मतलब एक टाइम पे मेमोरी कितने प्रोसेसेस को रख सकता है, हाँ अलॉट कर सकता है एक टाइम पे। जैसे 3 फ्रेम साइज हो गया तो एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 3 पेजेस ही अलॉट कर सकता है मेमोरी अपने आप में। तो पेज रिप्लेसमेंट क्या करेगा कि जब कोई नया पेज आएगा अलॉट होने के लिए मेमोरी में और उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है फ्रेम साइज, तो वो चेक करेगा कि कौन से पेज को रिप्लेस करना है। ठीक है, वो कैसे है? वो बेसिस पे होता है वेरियस एल्गोरिथम, जैसे फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल। ये एल्गोरिथम्स के बेसिस पे वो पेजेस को रिप्लेस करता है और जो नया पेज आया है उसको मेमोरी अलॉट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फीफो, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। तो फीफो जानने से पहले हम देखते हैं कि पेज फॉल्ट और पेज हिट क्या होता है। तो पेज फॉल्ट यानी क्या? जब हम नए प्रोसेस को मेमोरी अलॉट कर देंगे या तो उसे आने के लिए जब हम पेज रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तब होता है पेज फॉल्ट। और पेज हिट क्या होता है? जब कोई सेम प्रोसेस आता है और रिक्वेस्ट करता है मेमोरी को और वो ऑलरेडी मेमोरी में होता है, जैसे फ्रेम साइज में 1, 2, 3 ऑलरेडी है और 2 पेज नंबर वापिस अलोकेट होना चाहते हैं पर 2 तो पहले से है, तो वो टाइम पे क्या होगा? वो टाइम पे होगा पेज हिट। और जब कोई नया प्रोसेस आएगा और उसको अलॉट करना है पेज रिप्लेस करके, तब हो जाएगा पेज फॉल्ट। तो ठीक है, देखते हैं अभी पेज रिप्लेसमेंट अपना फीफो में क्या होता है। फीफो में यहाँ दिया गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो तो आपको पता है। तो वो कैसे होता है कि जो पेज मेमोरी में पहला एंटर हुआ है और जब अपने को रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, जो पेज पहले आया है मतलब द ओल्डेस्ट पेज इन द मेमोरी विल बी रिप्लेस। ठीक है, जो पेज पहला एंटर हुआ था अपने फ्रेम में और जब कोई नया पेज को अपने को मेमोरी अलॉट करना है तो अपन रिप्लेस किसको करेंगे, जो सबसे पहला आया था। और इसमें क्या दिया गया है कि फीफो हैज लोएस्ट फॉल्ट रेट। अब ये फॉल्ट रेट मतलब क्या? फॉल्ट रेट होता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स या टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस है उसको अपन पेज फॉल्ट से डिवाइड करते हैं। तो लोएस्ट फॉल्ट रेट इन शॉर्ट क्या होता है कि फीफो में सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट अपने को मिलते हैं, यही होता है। अब इसको न्यूमेरिकली अपन देखते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंसिडर करता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। यहाँ पे अपने को पेजेस दिए है स्ट्रिंग में 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 6। ठीक है, तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स वुड ऑकर अज्यूमिंग दैट 3 फ्रेम्स फॉर एलआरयू, फीफो एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए। तो इसमें अपने को दिया गया है कि 3 फ्रेम्स है, तो अपने को पता है कि मेमोरी में 3 फ्रेम्स है तो एक साथ हम लोग सिर्फ 3 प्रोसेस को एक साथ मेमोरी में रख सकते हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन अपन देखते कैसा होगा। तो हमें ये जो पेजेस दिए गए हैं स्ट्रिंग में वो लिख देना है एज इट इज, दिया गया था 1, 2, 3, 4, 2, 1, ये सब लिख देना है। और अपना फ्रेम साइज क्या है? 3। तो फ्रेम साइज यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 और 2। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पेज कौन सा आ रहा है? 1, तो उसको एलोकेट कर दिया मेमोरी में। ठीक है, दूसरा पेज कौन सा आ रहा है? 2, तो 2 को भी अलॉट कर देंगे। ठीक है, अभी तीसरा पेज कौन सा आ रहा है? 3, तो इसको भी अलोकेट कर देंगे हम लोग। ये करते टाइम अपने को ध्यान देना है कि हम लोग पेज हिट कंसीडर करेंगे, पेज हिट को डिफाइन करेंगे। जब पेज हिट होगा तो हम उसे स्टार से मार्क करेंगे पेज हिट को, एंड जब पेज फॉल्ट निकाला होगा तो वी विल यूज पेज हिट फॉर कैलकुलेटिंग द पेज फॉल्ट। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। अभी आता है 4, तो अभी 4 तो नया प्रोसेस है तो 4 को हम किधर एलोकेट करेंगे? तो हमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस पहले आया था, कौन सा पेज पहले आया था। ठीक है, द ओल्डेस्ट पेज इन द मेमोरी विल बी रिप्लेस्ड। तो अभी चेक करो कि पहले कौन सा आया था। तो 1 पहले आया था मतलब बहुत बार आया, फर्स्ट कौन सा पेज आया था? 1, तो रिप्लेस कौन सा पेज होगा? 1, तो ये हो गया 1 रिप्लेस, ये पेज फॉल्ट हो गया अपना। ठीक है, तो अभी आया नेक्स्ट पेज क्या है? 2 है, बट अभी आप देख सकते हो कि फ्रेम में 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अभी पेज हिट हो जाएगा, तो इसको अपन स्टार मार्क कर देंगे। ये क्या था? पेज हिट हो गया। अभी नेक्स्ट पेज क्या आ रहा है? 1 है,
तो अभी ये तो नया पेज है तो ये जाएगा किधर, वो देखना है अपने को कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है। तो फोर तो अभी दो ही बार आ गया है, टू कितनी बार आया है, चार बार आया है, ठीक है, और तीन कितनी बार है, तीन ही बार है। तो ओल्डेस्ट पेज क्या हो गया इसमें, टू, तो वन किधर आएगा, टू की जगह, तो फोर वन थ्री ये हो गया। अब नेक्स्ट है फाइव, फाइव के लिए भी सेम करना है, ओल्डेस्ट प्रोसेस, ओल्डेस्ट पेज कौन सा है अपना, चार तीन बार आ रहा है, वन तो एक ही बार आया है, और ये पेज नंबर जो थ्री पेज नंबर है वो चार बार आ चुका है जो सबसे ज्यादा है, तो वो ओल्डेस्ट पेज हुआ। तो फाइव को अपन थ्री की जगह डाल देंगे, तो फोर वन फाइव हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है जिसको मेमोरी में एलोकेट करना है, सिक्स है, तो सेम करना है अपने को, देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, फोर चार बार आया, वन दो बार आया, फाइव एक ही बार आया, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा हुआ, फोर हो गया, तो फोर की जगह पे सिक्स डाल देंगे, सिक्स को एलोकेट कर दिया। अब आ रहा है नेक्स्ट प्रोसेस है टू, तो सिमिलरली देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो सिक्स एक बार आया है, वन पेज नंबर है वो तीन बार आया है, और फाइव है वो दो ही बार आया है, तो किसकी जगह पे आएगा, वन की जगह पे आ जाएगा टू, तो सिक्स टू फाइव। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, वन, तो वन के लिए भी सेम देख लेंगे, ओल्डेस्ट पेज को निकालेंगे, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेज क्या है, सिक्स दो बार आया, टू एक बार आया, और पेज नंबर फाइव जो है वो तीन बार आया, तो फाइव की जगह पे आ जाएगा वन, तो ये हो गया सिक्स टू वन। तो अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, नेक्स्ट पेज है टू, और अभी देखोगे कि फ्रेम में टू तो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेज हिट, तो सिक्स टू वन ये हो गया अपना पेज हिट, क्योंकि सेम पेज है जो फ्रेम में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वापस वो मेमोरी एलोकेशन मांग रहा है, तो उसको नहीं देंगे, जो पेज है जो फ्रेम है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो उसी का बोलते हैं पेज हिट। तो अभी नेक्स्ट आ गया पेज अपना कौन सा है, थ्री, तो थ्री को एलोकेट करना है, थ्री के लिए देखना है कि कौन सा पहले आया था, ओल्डेस्ट कौन सा है, तो सिक्स जो है वो ज्यादा टाइम आया है, टू है वो कम टाइम, और वन सबसे कम, तो सिक्स की जगह पे जाएगा थ्री, तो थ्री को यहाँ पे मेमोरी अलोकेट कर दिया। सेम करना है सेवन के लिए, सेवन में देखना है कि कौन सा ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू है, तो टू की जगह पे आ जाएगा सेवन। अभी नेक्स्ट है सिक्स, इसको मेमोरी अलोकेट करना है, तो सेम देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे दिख रहा है वन है, तो वन की जगह पे आ जाएगा सिक्स, तो ये थ्री सेवन सिक्स। अभी यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट पेज क्या है, थ्री है, तो थ्री तो ऑलरेडी फ्रेम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा, थ्री सेवन सिक्स ये हो गया अपना पेज हिट। अभी नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है टू, नेक्स्ट पेज कौन सा है, टू, तो अभी टू को किधर अपन डालेंगे मेमोरी में, किसकी किसको रिप्लेस करेंगे, तो किसको रिप्लेस करेंगे, थ्री को करेंगे, क्योंकि थ्री ओल्डेस्ट पेज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू सेवन सिक्स। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, वन है, तो वन को अभी किसके साथ रिप्लेस करेंगे, टू तो एक ही बार आया है, सेवन चार बार आया है, सिक्स तीन बार आया है, तो सेवन है ओल्डेस्ट पेज, तो ओल्डेस्ट पेज को अपन करेंगे रिप्लेस। अब ये है टू, तो टू तो ऑलरेडी फ्रेम में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, पेज हिट, तो हो गया अपना पेज हिट। अभी नेक्स्ट पेज किसको एलोकेट करना है, पेज थ्री को एलोकेट करना है, तो अपन देखेंगे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे क्या है, सिक्स है, ठीक है, तो सिक्स की जगह पे आ जाएगा थ्री। अभी नेक्स्ट पेज क्या है, सिक्स है, तो सिक्स को एलोकेट करेंगे, सेम देखेंगे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, थ्री एक ही बार आया है, वन तीन बार आया है, और टू तो ओल्डेस्ट है, बहुत टाइम से आ रहा है, तो टू को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा सिक्स वन थ्री। तो ये हम लोग ने यहाँ पे फ्रेम्स फिल कर दिए है। अभी अपन देखेंगे कि पेज हिट कितना था, तो पेज हिट को किससे डिनोट किया था, स्टार से, तो कितने स्टार है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, तो टोटल पेज हिट क्या हो जाएगा, फोर। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पेज पेज हिट कैलकुलेट कर लिया है। अब पेज फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि पहले देखना पड़ेगा कि टोटल पेजेस अपने को कितने दिए गए, तो ये टोटल पेजेस जब आप काउंट करोगे तो ये टोटल पेजेस दिया है अपने को 20, तो टोटल पेजेस माइनस टोटल पेज हिट अपन करेंगे तो अपने को टोटल पेज फॉल्ट मिलेगा, मतलब ये 20 पेजेस है टोटल, माइनस पेज हिट कितना है, 4, तो अपने को पेज फॉल्ट क्या मिलेगा, 20 माइनस 4 इज 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग ने टोटल पेज फॉल्ट और टोटल पेज हिट कैलकुलेट कर लिया है फीफो से। अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे कि LRU से इसको कैसे करते हैं। तो LRU मतलब क्या, LRU का फुल फॉर्म है लीस्ट रिसेंटली यूज, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी फीफो जैसे ही ओल्डेस्ट पेज है
उसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं, बट इसमें डिफरेंस है थोड़ा। वो डिफरेंस होता है पेज हिट पर। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे फीफो हम लोग ने किया था, तो फीफो में जब पेज हिट हो रहा था, जैसे यहाँ पे 2 पे पेज हिट हुआ, ठीक है, ये पेज हिट हुआ, तो किसके कौन से पेज का पेज हिट हुआ, ये 2 से पेज हिट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 का काउंट है वो कम्प्लीटली रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब हम लोग ये जो प्रीवियस 2 से उन लोगों को काउंट नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरे पेज को 2 के साथ, ठीक है। तो LRU में यही चीज है कि पेज हिट होने पे वो जो पेज है उसका काउंट रिफ्रेश हो जाता है, नए से स्टार्ट होता है, उसके प्रीवियस पेजेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर LRU तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो LRU को यहाँ पे सॉल्व कर दे, तो पहला कौन सा पेज है, 1, ये 1 आ गया, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 आ गया, अब 4 आएगा। 4 में देखना है कि ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, 1 है, तो 4 2 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 ऑलरेडी फ्रेम में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये पेज हिट हो जाएगा। क्या हो गया, पेज हिट। अभी पेज हिट हो गया, अभी LRU इंस्टेंस। तो अभी क्या करेंगे, ये 2 का काउंट जो है ना वो रिफ्रेश करेंगे, मतलब ये 2 को कंसिडर नहीं करेंगे, जो प्रीवियस 2 थे उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी 2 का काउंट यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया, रिफ्रेश हो गया। तो अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ पे आएगा, 4 दो बार आ चुका है, 2 एक ही बार आ चुका है याद रखना, और 3 है वो 3 बार आ चुका है, तो 3 की जगह पे आएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 1। अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 5 है, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 3 बार आ चुका है, 2 दो ही बार आ चुका है, 1 एक बार, तो 4 की जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 1। अभी 6 है, 6 रिप्लेस कर देंगे ओल्डेस्ट पेज से। ओल्डेस्ट पेज क्या, अभी ये 2 है वो 3 बार आ चुका है, 1 2 3, और 1 है दो ही बार आ चुका है, याद रखना पेज हिट हो रहा है, LRU है इसलिए हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 के जगह पे आएगा 6। अभी फिर से 2 आ गया है, 2 को अभी ओल्डेस्ट पेज से फिर रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेज क्या है, 1 है, तो 5 6 2। अभी 1 है, 1 को रिप्लेस करना है ओल्डेस्ट पेज से, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है यहाँ पे, 5, तो 5 की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 है, और 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा, ये 1 6 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना पेज हिट। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ 2 पे क्या हो गया है, पेज हिट हो गया। तो LRU में पेज हिट आए कि क्या, कि जो पेज की वजह से पेज हिट हुआ है उसका काउंट हो जाएगा रिफ्रेश, यानी 1 हो जाएगा, और उसके पहले के जो काउंट है वो 0 हो जाएंगे, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे आगे जाके। तो अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 3, 3 को एलोकेट करना है, तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है यहाँ पे, ये 1 है दो बार आ रहा है, 6 ये 3 बार आ चुका है, ये 2 है वो एक ही बार आया है क्योंकि पेज हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, 6 है, तो ये 3 आ जाएगा 6 के जगह पे। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, 7 है, तो 7 के लिए अपन रिप्लेस किसको करेंगे, जो ओल्डेस्ट पेज है, ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे कौन सा है, 2 दो बार आ चुका है, 1 3 बार आ चुका है, तो 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 7, तो 7 3 2। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, नेक्स्ट पेज है 6, तो 6 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ये 2 3 बार आ चुका है, 3 दो बार ही आ चुका है, तो 2 कितना है, ओल्डेस्ट पेज है, तो 2 की जगह पे डाल देंगे। अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 3 है, बट 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रेम में, तो ये क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा, ये हो गया पेज हिट। अभी पेज हिट हो गया, तो LRU में पेज हिट मतलब क्या होता है, ये अभी 3 का काउंट हो जाएगा 1, और ये पहले के काउंट इसके हो जाएंगे 0, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज क्या आएगा, 2, 2 को अलॉट करना है, किधर अलॉट करेंगे, ओल्डेस्ट पेज कौन सा है यहाँ पे, 7 है, तो 2 3 6। अभी नेक्स्ट पेज क्या है, 1 है, तो 1 किसके जगह पे आएगा, ओल्डेस्ट पेज देखना है कौन सा, ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे 6 है, तो 2 3 1। नेक्स्ट पेज कौन सा है, 2 है, बट 2 तो फ्रेम में ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगी, तो 2 3 1, ये क्या हो गया, पेज हिट। एंड LRU है, तो LRU में पेज हिट मतलब इसका काउंट हो गया है 0, पहले का काउंट हो गया 0, और अभी लेटेस्ट काउंट इसका 1 है। याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में सॉल्व करते टाइम सर्कल नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का काउंट रिफ्रेश होकर 1 हो गया है। नेक्स्ट पेज है 3, 3 को किधर अलोकेट करेंगे, ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा फिर।
फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज था 3, तो यहाँ पे पेज हिट हो गया, तो यहाँ से अब 3 का अकाउंट रिफ्रेश हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो इसीलिए जो नेक्स्ट पेज है 6 वो वहाँ ही जाएगा जो ओल्डेस्ट पेज है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट पेज क्या है 1 है, तो 6 को हमने 1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है गाइस, जो टोटल पेज हिट तो आपने कैलकुलेट किया, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये 1 2 3 4 5 टोटल पेज हिट है, और टोटल पेज फॉल भी हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस पेज हिट है, तो 20 माइनस 5 आ गया है 15। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट अपन कैसे करते हैं। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग वही पेज रिप्लेस करेंगे जो आगे जाके ज्यादा टाइम तक यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है इसमें लोएस्ट पेज अपना हाईएस्ट पेज फॉल्स होता है, पेज रेट होता है, वो अपन करने के बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे हम लोग एलआरयू और फीफो में प्रीवियस पेजेस देखते थे जो ओल्डेस्ट यूज हुआ है, अभी ऑप्टिमल में हम लोग आगे के पेजेस देखेंगे जो ज्यादा टाइम यूज नहीं होने वाले। ठीक है, करते टाइम हम लोग देख लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे पेज क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया, फिर 2 है, 2 आ गया, 3 है, 3 आ गया, अभी नेक्स्ट है 4। ठीक है, अभी 4 को एलोकेट करना है, फ्रेम साइज भरा हुआ है, तो क्या कंसिडर करना है हमें, ये आगे के पेजेस देखने हैं, ये 2 है, ये 2 तो आगे यूज होने वाला है तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 1 है, 1 भी आगे यूज होने वाला है तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो 3 किधर है, 3 यहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 की जगह पे 4 को रिप्लेस करेंगे, तो ये 1 2 4। ठीक है, ये हो गया रिप्लेस, ऑप्टिमल में ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हो गया अपना पेज हिट, अभी 1 है, 1 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हो गया वापिस पेज हिट, अभी नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो 5 को कौन से पेज के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमें आगे की लाइन में देखना है कि 1 है क्या यहाँ पे, हाँ ये 1 यहाँ पे है, 2 है, हाँ 2 भी आगे जाके यूज होने वाला है, 4 है का कहाँ, 4 कहीं नहीं है, तो क्या होगा, 4 पेज रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि वो आगे जाके यूज नहीं होने वाला है, तो ये 1 2। पेज 6 है, तो 6 को कौन से पेज के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमें आगे देखना है, तो ये 1 है, 1 आगे यूज होने वाला है, 2 है, 2 भी आगे यूज होना है, 5 यूज होने वाला है का कहाँ, नहीं 5 तो कहाँ नहीं यूज होने वाला है, तो 5 की जगह रिप्लेस कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 है, तो 2 पहले से प्रेजेंट है तो हिट हो जाएगा, अभी 1 है, 1 भी पहले से प्रेजेंट है तो ये फिर हिट हो गया, अभी नेक्स्ट है 2, तो 2 भी पहले से है तो फिर हिट हो गया, अभी 3 है, तो 3 को किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, तो आगे अपने को देखेंगे, तो 1 है का किधर, 1 तो यहाँ बहुत दूर है, 2 है, 2 भी बहुत दूर है, ये 6 है, 6 तो नजदीक है, तो सबसे दूर कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है जो एकदम बाद में यूज होगा, 1, तो 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 3 2 6। अभी 7 है, 7 को कहाँ रिप्लेस करेंगे, तो आगे देखना है, 6 आगे यूज होने वाला है, यस, 2 आगे यूज होने वाला है, यस, 3 भी यूज होना है, बट इसमें से सबसे लास्ट कौन सा यूज होगा, 2 यूज होगा, तो 2 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 6। अभी नेक्स्ट क्या है, ये 6 है, तो 6 ऑलरेडी है अपने पास फ्रेम में, तो ये क्या हो जाएगा, पेज हिट हो गया वापिस। अभी नेक्स्ट क्या है, 3 है, 3 भी ऑलरेडी है, तो ये वापिस हो गया, पेज हिट हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा है, पेज 2, तो 2 को रिप्लेस किसके साथ करेंगे, तो आगे अपने को देखने का, आगे है 3 है कहीं, 3 दूर है, 6 भी एकदम दूर है, तो क्या करेंगे, 7 देखना है, 7 है क्या, 7 तो आगे यूज ही नहीं होने वाला है, तो किसको करेंगे रिप्लेस, 7 को रिप्लेस करेंगे, तो ये 3 2 6। नेक्स्ट क्या है, पेज 1, तो 1 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 3 है आगे, हाँ 2 भी है, हाँ 6 भी है, बट इसमें सबसे लास्ट कौन सा है, 6 आ रहा है, तो किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, 6 की जगह, 3 2 1। अभी 2 फिर से आ गया, तो क्या हो गया, ये पेज हिट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज कौन सा है, 3, 3 तो ऑलरेडी फ्रेम में है, तो क्या हो जाएगा, पेज हिट। अभी सिंस ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज बताया है, इसको जज करने के लिए आगे कोई पेजेस नहीं, तो ये जो एज इट इज है 3 2 1 वही पेज एग्जिस्ट करेंगे फ्रेम में। ठीक है, तो ये अपन ने कैलकुलेट किया, अभी अपन कैलकुलेट करेंगे पेज हिट कितना हुआ है टोटल, तो पेज हिट कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पेज हिट क्या है, 9। और अभी टोटल पेज फॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस पेज हिट, मतलब ये इनको छोड़ के रिमेनिंग जो भी है वो, तो 20 माइनस 9 करेंगे, तो कितना हो जाएगा पेज फॉल्ट, 11 आ जाएगा।
11 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या है, कम से कम पेज फॉल्ट होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में, और फीफो में होता है सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट, और एलआरयू दोनों के बीच का है। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देख लिया फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।